हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा, जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मींस ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। ठीक है, इसके आगे हम लोग अब आगे चलने वाले हैं और आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी कि अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ रहे हैं इसमें बेसिकली हमारा डिस्कशन होगा पूरा का पूरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, एक्सपेरिमेंटल स्टडी की जाएगी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ठीक है, तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं कहाँ से, एक्सपेरिमेंटल स्टडी से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अच्छा, तो उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी है, क्वांटम थ्योरी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, देन हम एक्सपेरिमेंटल पर चलेंगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी उसको समझ लेते हैं। क्वांटम थ्योरी, तो प्लैंक जी ने क्या बताया था क्वांटम थ्योरी में, इन्होंने कहा कि जो लाइट होती है हमारी वो बेसिकली पार्टिकल्स के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। ठीक है, और जब ये पार्टिकल्स मींस स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में, पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटम थ्योरी इन्होंने क्या बोला, The light travels in the form of small packets of energy which are known as quanta or photons clear, which are known as quanta or photons, clear hai? And The energy of each photon is directly proportional to the frequency of light. So it is directly proportional to the frequency of light. It means E is directly proportional. If E is the energy of photon, it means that is directly proportional to the frequency. And hence we can say E is equals to some constant aa jayega yahan par. And that constant is basically known as Planck's quantum constant. Planck's constant H, जिसकी वैल्यू क्या होती है, where H is equals to Planck's constant एंड जिसकी वैल्यू होती है 6.64 × 10⁻³⁴ जूल इंटू सेकेंड। So that is the value of Planck's quantum constant. So that is what Planck's quantum theory, according to quantum theory, each photon जो है उसकी frequency, each light particle जो है, each quanta जो है उसकी frequency directly proportional होगी किसके, photons की जो energy है उसकी energy जो है वो photons की frequency की directly proportional होगी, light की frequency के directly proportional होगी। means जितनी ज़्यादा हमारी light की energy होगी, frequency होगी, उतनी ज़्यादा photons के पास energy होगी। clear, अब हम लोग बढ़ेंगे इसके experimental study से related। so experimental स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको समझना है। तो देखो, इसके लिए एक बहुत बेसिक सा सर्किट हम बनाएंगे। एक किस तरह का सर्किट, जिसमें हम बेसिकली एक मेटल लेंगे, राइट। सो सपोज वी हैव अ मेटल प्लेट लाइक दिस,
अनदर वन इज दिस एंड दिस मेटल प्लेट इज बेसिकली कनेक्टेड टू द बैटरी राइट दिस एंड वी हैव यूज्ड अ रियोस्टेट अलोंग विद द एमीटर एंड स्विच लाइक दिस. सो दिस सिंपल सर्किट वी हैव ड्रॉन एंड क्यों ड्रॉ कर रहे हैं अभी समझ आ जाएगा. अब यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पर हमने इसमें इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को वैक्यूम्ड कर दिया, मींस एक ग्लास चैम्बर के अंदर इवैक्यूएटेड कर दिया, जिससे कि अच्छा इसमें यहाँ पर एक विंडो लगा देंगे हम. यहाँ पर एक विंडो होगी, ट्रांसपेरेंट विंडो, जिसमें से लाइट हमारी अंदर आएगी, एंटर करेगी. इसमें ट्रांसपेरेंट विंडो से लाइट हमारी एंटर करेगी राइट. तो ये हमारी होगी एक ट्रांसपेरेंट विंडो लाइक दिस. यहाँ से हमारी लाइट आएगी जो कि इस मेटल सरफेस पे आके इंसिडेंट करेगी. फोटॉन्स आएंगे जो कि इस मेटल सरफेस पर आके इंसिडेंट करेंगे. अब हमने इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे रखा है, नेगेटिव टर्मिनल है इस मेटल का, ये हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है. क्लियर, क्योंकि इधर हमारा ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये रियोस्टेट हो गया, ये स्विच हो गया, ये एमीटर हो गया. चाहो तो वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं यहाँ पर टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स राइट. तो ये हमारा एक सेटअप हो गया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया. अब हम क्या करते हैं, अब हमने यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस लेने स्टार्ट किए इस सर्किट के थ्रू. कैसे, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से लाइट को इंसिडेंट कराया. ये पूरा हमारा इवैक्यूएटेड है, ये वैक्यूम है इसके अंदर, इस पूरे चैम्बर के अंदर वैक्यूम है. क्यों वैक्यूम किया हुआ है, इसलिए वैक्यूम किया हुआ है जिससे कि अंदर कुछ भी किसी भी तरह का ड्रैग ना हो, किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस अवेलेबल ना हो. सो दैट इज जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो इजीली एमिट हो पाए, जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा वो आसानी से हो पाए यहाँ पर. तो अभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर हम ये बोलो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को समझ रहे हैं इन डिटेल बाय एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस राइट. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को कैसे समझेंगे, ध्यान दो. तो जैसे हमने यहाँ से लाइट को इंसिडेंट कराया, क्या होगा, यहाँ से हमारी कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट होंगे राइट. कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट होंगे. तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, अब आपको पता है इस प्लेट को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दे रखा है दिस वन, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर की तरफ एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे. अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कुछ निकले तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे. जब ये पॉजिटिव प्लेट पर पहुँचेंगे तो यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगा इस एमीटर के अंदर. जो करंट फ्लो होगा उस करंट को हम बोलेंगे फोटो करंट. और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हो रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रॉन. क्लियर, इसको नाम दिया हमने फोटो इलेक्ट्रॉन. क्लियर है. तो अब क्या ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर देखे गए, तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर हम यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएं, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमारा क्या रहा, सबसे पहला वेरिएशन जो हमने देखने की कोशिश की वो था इंटेंसिटी वर्सेस करंट, फोटो करंट. करंट मींस यहाँ पर फोटो करंट से बात हो रही है, फोटो करंट. ये ग्राफ भी बनेंगे साथ के साथ यहीं पर, तो ग्राफिकल एनालिसिस भी हो जाएगी आपकी इसमें आराम से. तो अगर हम इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट की बात करते हैं, तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं लाइट की, वैसे वैसे हमारे इलेक्ट्रॉन जो करंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है. ये हमने ऑब्जर्व किया इस एमीटर से
कि जैसे जैसे हम यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ा रहे, जो लाइट हम इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी अगर हमने इंक्रीज कर दी, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से हमने क्या देखा, फोटो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी, लीनियरली इंक्रीज हो रही थी। तो जो ग्राफ हमारा आया, किसका किसका ग्राफ, करंट वर्सेस इंटेंसिटी, ध्यान से देखना, ये इंटेंसिटी है और ये हमारा ये इंटेंसिटी इधर हो गई और ये हो गया हमारा करंट। तो जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं क्या इंटेंसिटी, वैसे वैसे हमारा करंट इंक्रीज होता चला जा रहा है। क्लियर, इंटेंसिटी कम कर रहे हैं, करंट की वैल्यू कम हो गई। लेकिन यहां पर एक चीज देखने वाली है, वो ये है कि हमने लाइट जो इंसिडेंट कराई है वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से अबव की लाइट है, उससे कम फ्रिक्वेंसी की लाइट नहीं है। मींस क्या है उसका भी अभी समझेंगे हम यहां पर। एक किसी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की हमने लाइट ली और उस लाइट को हमने इंसिडेंट कराया किसके ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर। ये जो मेटल है हमारा, इसके ऊपर ये मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। इस मेटल के ऊपर जब हमने इंसिडेंट कराया तो हमारा इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब फोटो करंट हुआ, फोटो करंट जनरेट हुआ, वहाँ पर करंट फ्लो हो गया एमिटर में, वहाँ से हमने मेजर कर लिया। अब हमने जब इंटेंसिटी बढ़ाई उसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को कॉन्स्टेंट रख के, यहाँ पर हमने फ्रिक्वेंसी को कॉन्स्टेंट रखा है, फ्रिक्वेंसी को कॉन्स्टेंट रख के हमने क्या किया, इंटेंसिटी को बढ़ाना शुरू किया। तो इंटेंसिटी जब हमने बढ़ाई तो क्या देखा, इंटेंसिटी के साथ साथ करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी। क्लियर, अच्छा दूसरा ऑब्जर्वेशन जब हमारा आया तो दूसरा ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा, हमने कहा कि अगर हम इंटेंसिटी तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ के साथ हम ये देखें कि इंटेंसिटी जो बढ़ा रहे हैं अगर हम इसमें फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन ले आए, लाइट की फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन ले आते हैं, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन लाएं तो फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे फोटो करंट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अब यहां पर हमने देखा फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो करंट फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो करंट की बात कर रहे हैं। तो जब फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो करंट का ग्राफ बनाया गया तो ये ग्राफ बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ था। ये हमारा हो गया फोटो करंट, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी न्यू। तो हमने क्या देखा कि जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे थे, इंटेंसिटी हमने कांस्टेंट कर दी, यहाँ पर आई इंटेंसिटी हमारी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहे, ध्यान रखना है इंटेंसिटी हमारी यहाँ कांस्टेंट है, इंटेंसिटी को हमने कैसा कर रखा है, कांस्टेंट। जब हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर रखा है तो कांस्टेंट इंटेंसिटी के साथ जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की गई तो क्या देखा गया, जो ग्राफ हमें मिला वो कुछ ऐसा मिला जिसमें फोटो करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा था। फ्रीक्वेंसी जब हमने बढ़ाई फोटो करंट में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब बड़ा क्लियर हो गया कि अगर आप फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दोगे, जो फोटोन गिर रहा है, जो क्वांटा हमारा इंसिडेंट कर रहा है किसी मेटल सरफेस के ऊपर, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो उससे फोटो करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोटो करंट पर फर्क ना पड़ने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे वो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी उतने ही एमिट हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही तो हमारा करंट आ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एमिट होंगे तो ज्यादा करंट होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम एमिट होंगे तो कम करंट होगा। इसका मतलब कि जब हमने इसमें देखा कि भाई अगर हमने जो लाइट इंसिडेंट कराई इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले, कैसे पता चला, क्योंकि फोटो करंट बढ़ गया, और जब फोटो करंट बढ़ गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है हमारा फोटो करंट, बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लेकिन जब हमने फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट किया तो ये प्लॉट हमारा कुछ ऐसा आया, स्ट्रेट, नो डिपेंडेंसी ऑन फ्रीक्वेंसी, फोटो करंट की कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं थी। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली, वो क्या देखने को मिली कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम कर देते हैं, लाइट की फ्रीक्वेंसी को एक पर्टिकुलर वैल्यू से
कम कर देते हैं तो ये जो हमारा आप ग्राफ जो अभी यहाँ देख रहे हो, ये हमारा कांस्टेंट ग्राफ है। ये तो समझ आ गया कि भाई इंटेंसिटी हमारी जब फ्रिक्वेंसी जो चल रही है, जो हम बढ़ा रहे हैं फ्रिक्वेंसी लाइट की फ्रिक्वेंसी, तो उससे फोटो करंट की वैल्यू पर फर्क नहीं आ रहा, जो है वो यही है इसके सामने जो भी है हमारा। लेकिन जब हमने एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से कम कर दिया, मींस हम इसको कुछ नाम दे देते हैं न्यू नॉट, इस फ्रिक्वेंसी का नाम दे दिया हमने न्यू नॉट, तो इस न्यू नॉट से कम फ्रिक्वेंसी जब हमने इंसिडेंट कराई, जो फोटॉन्स हमारे जो लाइट इंसिडेंट कर रही है, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट से कम है तो क्या देखा हमने, तो देखा कि करंट हमारा जीरो हो गया, देयर इज नो फोटो करंट फ्लोइंग इन द एमिटर। इट मींस करंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। और अगर करंट जीरो हो गया, इसका बड़ा क्लियर सा मतलब है कि यहां से पता चला कि आप जो है जो जो फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हो उसके ऊपर करंट डिपेंड तो नहीं है, लेकिन एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी जरूर होनी चाहिए, लाइट की एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी जरूर होनी चाहिए। अगर उस मिनिमम फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी की लाइट अगर आपने इंसिडेंट कराई तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि वर्क फंक्शन नाम का भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, और वो वर्क फंक्शन क्या था, बेसिकली वर्क फंक्शन बेसिकली हमारी वो एनर्जी थी जो कि रिक्वायर्ड थी, मिनिमम एनर्जी थी जो कि रिक्वायर्ड थी किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन एमिट कराने के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि बड़ा क्लियर सा यहाँ से समझ आ रहा है कि अगर ये वर्क फंक्शन जो है हमारा मिनिमम एनर्जी है, रिक्वायर्ड है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए। और अभी हमने क्वांटम थ्योरी में पढ़ा कि एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड कर रही है हमारी फ्रिक्वेंसी के ऊपर, इंसिडेंट फोटॉन्स की फ्रिक्वेंसी के ऊपर। तो अगर हमने फ्रिक्वेंसी को कम किया, इसका मतलब एनर्जी कम हो गई होगी, जो इंसिडेंट हमारी लाइट है उसकी एनर्जी कम हुई होगी। और आपको पता है अगर इसमें फोटो करंट जीरो हो गया, इट मींस इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुए, और इलेक्ट्रॉन एमिट कब नहीं होंगे, जब हमारी इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो जाए। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम फ्रिक्वेंसी एग्जिस्ट करनी चाहिए, जिसको हम न्यू नॉट नाम दें अगर, और इस न्यू नॉट को हमने क्या दिया, इस न्यू नॉट का नाम दिया हमने थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। इस मिनिमम फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी की लाइट या फोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को एमिट नहीं करा सकता, फोटो करंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से वर्क फंक्शन का फॉर्मूला भी आपके पास आ जाएगा, इज सिमिलर टू एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, जो कि मिनिमम एनर्जी है, डब्ल्यू इज मिनिमम एनर्जी, या फिर हम ये बोले न्यू नॉट इज अ थ्रेशोल्ड, जो कि मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो फोटोन इंसिडेंट कर रहा है उसकी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। क्लियर? तो ध्यान रखना, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम अगर हमारा फ्रीक्वेंसी हो गई तो फोटो करंट नहीं होगा, इट मींस नो इलेक्ट्रॉन एमिशन, इन दिस रीजन नो इलेक्ट्रॉन एमिशन, नो इलेक्ट्रॉन एमिशन, यहां पर इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हो रहा होगा। क्लियर? यहां पर इलेक्ट्रॉन मेरा एमिट ही नहीं हो रहा होगा, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है। तो ये देखा हमने फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो करंट। अब यहां इंटेंसिटी कांस्टेंट थी, इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहे हम, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर रखी थी उसमें, तो हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के वेरिएशंस आ रहे थे। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को और एनर्जी को बात देखें, एनर्जी किसकी, एनर्जी किसकी बेसिकली हम बात कर रहे हैं, एनर्जी हमारी यहाँ पर बात हो रही है। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, फोटोन जब इंसिडेंट हो रहा है आके किसी मेटल सरफेस पर गिरेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेगा कब, अगर उसकी मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। अब अगर वर्क फंक्शन के इक्वल है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, उससे ज़्यादा है तो एनर्जी कहाँ जाएगी, इट मींस वो एनर्जी फिर इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उसको, वो एनर्जी हमारी कहाँ जाएगी, इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी, अगर हमारी जो इंसिडेंट एनर्जी है जिसको हम एच न्यू बोलें, अगर ये एच न्यू नॉट से ज़्यादा है, एच न्यू नॉट हमारा वर्क फंक्शन है,
तो अगर हमारी इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो ये कहाँ जाएगी फिर? फोटोन तो हमारा एनर्जी दे देगा इलेक्ट्रॉन को, फिर ये जा कहाँ रही? ये जा रही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जा रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जा रही है, क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, आई मीन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा, क्लियर है? अगर वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी है फोटॉन्स की तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एमिट ही हो पाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एमिट होगा, सरफेस से बाहर ही आ सकता है, दैट्स इट, क्लियर है? तो ये समझ आ गया। अच्छा, अब हम अगर ये देखें कि जो हमने सेटअप लगाया पीछे, अभी इसमें ध्यान से देखना, अभी हमने इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट और फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो करंट का इफेक्ट देखा। अगर हम यहां पर इस पोटेंशियल को इंक्रीज कर दें, या फिर एक काम करें कि भाई ये जो मेटल है इस मेटल को चेंज करके देखें, तो जब इन्होंने मेटल को चेंज किया, एक मेटल एक थी उस मेटल को हटा के एक दूसरी मेटल ली, कोई और मेटल ले लिया, उसके साथ प्लॉट देखा, तो उसके साथ भी हमारा फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटोकरेंट और इंटेंसिटी वर्सेस फोटोकरेंट सिमिलर नेचर का था, लेकिन ये वाली फ्रीक्वेंसी बदल गई थी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बदल गई थी। ये जो फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू चेंज हो गई थी। इसकी वैल्यू डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट, इसका मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी मेटल के नेचर पर भी डिपेंड है। मतलब अगर मेटल हमारा चेंज होगा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, क्लियर? मेटल हमारा सेम है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वही रहेगी, उसमें आप कितना भी फिर इंटेंसिटी बढ़ा लेना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोटोन की एनर्जी कितनी भी बढ़ा लेना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी उतनी ही रहेगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी डिपेंड कर रही है मेटल के ऊपर। ये मेटल का जो नेचर है उस नेचर पर डिपेंड कर रही है। कौन? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्लियर है? मेटल के नेचर पर डिपेंड कर रही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसके बाद हमने फिर और देखा कुछ कि भाई अगर यहां तक ठीक है, मेटल चेंज करके भी देख लिया, अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, डायरेक्शन रिवर्स करने का मतलब कि अगर हम पोलरिटी अपोजिट कर दें तो क्या होगा? तो फिर कुछ वेरियस इफेक्ट आए थे, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चेंज करके देखा कि अगर हम इस पोटेंशियल को, कौन सा पोटेंशियल? जो हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दे रखा है इस प्लेट को जो हमने पॉजिटिव और निगेटिव पोटेंशियल दे रखा है, इसको हम क्या करें, इसको हम निगेटिव करते चले जाएं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस प्लेट से निकल के इधर की तरफ आ रहे हैं। अब अगर हम, ये पॉजिटिव है तभी तो आ रहे हैं, अब अगर हम इसको निगेटिव करते चले जाएं, इस पोटेंशियल को मोर पॉजिटिव कर रहे थे तो करंट बढ़ रहा था, अभी इसकी वैल्यू होगी, सपोज इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया गया बैटरी के थ्रू, मान लो ये 10 वोल्ट पॉजिटिव दिया, अगर हम इसको 10 से 15 करेंगे तो क्या होगा? करंट बढ़ गया, ऐसा हमने यहां देखा कि करंट बढ़ गया, 15 से थोड़ा और बढ़ाया तो और करंट बढ़ा, राइट? लेकिन अगर हम इसको निगेटिव करते चले जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? तो जब हमने जो हमारा पोटेंशियल है, जब इसको नेगेटिव करते चले जाएंगे तो आपको पता है इधर से रिपल्सन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इस प्लेट से रिपल्सन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर भी है और आप पोटेंशियल को भी नेगेटिव करते चले जा रहे हो, जीरो पोटेंशियल हो गया, उसके बाद और नेगेटिव ले गया आपने, पहले जीरो, पहले पॉजिटिव था, फिर धीरे धीरे कम करते रहे और जीरो कर दिया और नेगेटिव करते ले गए। तो आपने क्या देखा कि अगर आप इस पोटेंशियल वर्सेस किसको प्लॉट करो, पोटेंशियल वर्सेस फोटोकरेंट वर्सेस पोटेंशियल, जब फोटोकरेंट वर्सेस पोटेंशियल हमने प्लॉट किया यहां, तो देखना कैसा ग्राफ आया हमारा। जब हमने क्या किया, पोटेंशियल को बढ़ाया तो हमारा फोटोकरेंट बढ़ा,
पोटेंशियल को घटाया, फोटो करंट बढ़ा, बट लीनियरली नहीं था, लीनियर नहीं था, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये बढ़ा भी कैसे, ये कुछ ऐसा बढ़ा कि यहाँ से हमने बेसिकली देखा कि ये वैल्यू बढ़ती चली गई और आफ्टर सम टाइम ये होगी कांस्टेंट, फिर ये बढ़ी नहीं, फिर ये करंट नहीं बढ़ा। तो ये जब हमने यहाँ ड्रॉ किया किसको, फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल, अगर हम यहाँ एक्सिस रिप्रेजेंट कर दें, ये हो गया हमारा पोटेंशियल, इधर नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा माइनस में, ये हो गया हमारा फोटो करंट, फोटो करंट। तो जब हमने फोटो करंट को इंक्रीज किया यहाँ से, तो क्या देखा कि ये जैसे जैसे हमारा फोटो करंट, जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल बढ़ रहा था, फोटो करंट बढ़ रहा था, बढ़ता रहा, एंड आफ्टर सर्टेन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल दिस फोटो करंट बिकम्स कांस्टेंट, दिस फोटो करंट बिकम्स कांस्टेंट। तो ये जो वैल्यू थी जहां पर हमारा फोटो करंट कांस्टेंट हो गया, इस करंट का नाम दिया, इस कांस्टेंट करंट का नाम दिया गया सैचुरेशन करंट और सैचुरेटेड करंट, क्योंकि वो सैचुरेट हो गया था, वो करंट हमारा सैचुरेट हो गया था, इसलिए इसको नाम दिया गया सैचुरेटेड करंट। क्लियर? तो इसका जब प्लॉट किया गया तो इसका प्लॉट यहां तक आया। अच्छा, फिर हमने पोटेंशियल को कम किया तो देखा कि वही पोटेंशियल हमने जीरो कर दिया, प्लेट का पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल जीरो कर दिया, फिर भी हमारा फोटो करंट जीरो नहीं हुआ, कुछ वैल्यू मिल रही थी। तो हमने कहा कि इसको अगर जीरो करें, इसका मतलब कुछ वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब कि फोटो, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारी उस प्लेट पर पहुंच पा रहे हैं। भाई अगर जीरो करंट कब होगा, जब जीरो करंट होगा तो यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँचेगा, और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँच रहा इसका मतलब करंट जीरो हो गया, बट अगर कुछ भी करंट आ रहा है इसका मतलब कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पहुँच रहे हैं। क्लियर? और कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर पहुँच रहे हैं तो कुछ करंट है, हमें इनको भी स्टॉप करना है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पहुँचना बंद कब करेंगे, कितना पोटेंशियल नेगेटिव दे दिया जाए। तो इसकी वैल्यू को जब ये पीछे डिक्रीज करते चले गए, नेगेटिव में ले जाते चले गए, तो उन्होंने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको मिलेगी, जिस वैल्यू के बाद हमारा करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फोटो करंट इस पर्टिकुलर वैल्यू पर फोटो करंट क्या हो जाएगा, फोटो करंट की वैल्यू इस पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल पर फोटो करंट जीरो हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव पोटेंशियल आप देख रहे हो, ये नेगेटिव पोटेंशियल का नाम दिया गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस नेगेटिव पोटेंशियल का नाम दिया गया स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, इसका नाम दिया गया कट ऑफ पोटेंशियल। तो ये हमने यहां पर डिफाइन किया कि भाई ये कट ऑफ पोटेंशियल हमारा क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल हमारा वो मिनिमम या फिर वो नेगेटिव पोटेंशियल है जहां पर फोटो करंट जीरो हो जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन जो हमारे हैं वो करंट प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, पॉजिटिव प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंचते हैं। सो हम ये कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन द फोटो करंट बिकम्स जीरो एट दैट पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल, दिस नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड फोटो, और यू कैन से स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ ये हमने किसी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए निकाला, मान लो आई वन इंटेंसिटी थी या आई टू इंटेंसिटी थी सपोज, अब इससे थोड़ी सी कम इंटेंसिटी कर दी, सिर्फ इंटेंसिटी हमने वेरी करा दी, तो क्या देखा कि सब कुछ सेम था, सिर्फ सैचुरेशन करंट चेंज हो गया, सैचुरेशन करंट कम हो गया। अगर हमने ये देखा कि भाई ये वाला करंट आई वन आई टू था और ये मान लो हमने आई वन किया, तो सैचुरेशन करंट, क्योंकि हमने इंटेंसिटी कम की तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू कम हो गई, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, राइट? अच्छा, अब फिर हमने इंटेंसिटी को बढ़ा के भी देख लिया, तो फिर दोबारा देखा तो अगेन आई थ्री अगर हमने इंटेंसिटी ली तो सैचुरेशन करंट इसमें भी चेंज हुआ, सेचुरेशन करंट बढ़ गया इस बार क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ा दी, यहाँ पर I1 से ज़्यादा I2 है, उससे ज़्यादा I3 है, ये इंटेंसिटीज़ हैं जो हमने लाइट इंसिडेंट कराई, वो इंटेंसिटीज़ हैं। लेकिन जो यहाँ देखा गया क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी भी सेम था, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं है, ये जो है कॉन्स्टेंट रहेगा, अगर आप इंटेंसिटी कितनी भी चेंज कर लो इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी।
इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट वेरिएशन देखा गया, हम क्या फोटो, ये जो फ्रीक्वेंसी वर्सेस, या फिर हम ये कहें कि यही ग्राफ था किसका, फोटो करेंट वर्सेस, फोटो करेंट वर्सेस पोटेंशियल का ही ग्राफ था, लेकिन इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने बेसिकली थोड़ा सा चेंज किया है भाई, हमने इंटेंसिटी को वेरी कराया, इस बार हमने इंटेंसिटी को तो फिक्स कर दिया, फ्रीक्वेंसी को वेरी कराया, तो बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ आया आपका, लेकिन इस बार हमारा नेचर ग्राफ का बदल गया। और क्या हमने देखा कि जो नेचर आया हमारा वो कुछ इस तरह का आया, मींस जो सैचुरेशन करंट था, जो सैचुरेशन करंट था हमारा वो सबका सेम था, लेकिन इस बार स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल गया, इस बार हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल गया, ये हमारा स्टॉपिंग, ये हमारा क्या था, फोटो करंट, राइट, ये हमारा क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और मे बी यू कैन से पोटेंशियल ओनली। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी वेरी कराई, ये हमारी फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू वन थी, ये न्यू टू थी, ये न्यू थ्री के लिए था, तो यहाँ न्यू थ्री सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी, न्यू टू उससे कम, न्यू वन उससे भी कम, तो जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ने लगा। अगर हम इसको माइनस का V01 मानते हैं, इसको V02 मानते हैं, इसको V03 मानते हैं, तो ये मोर नेगेटिव हो गया, कौन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मोर नेगेटिव वैल्यूज चाहिए क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। तो अब आपको पता है क्यों चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, उनको स्टॉप करने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा, क्लियर है, उनको स्टॉप करने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा, राइट। तो ये हमारा इसका ग्राफ था, यहाँ हमारी इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट थी। सिमिलरली अगर हम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस नेक्स्ट अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए, तो ये भी हमारा कुछ बिल्कुल लीनियर टाइप ग्राफ था। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो उसी हिसाब से हमारी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती चली जा रही थी। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ था, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स थे जो कि हम लोगों ने पूरा का पूरा ग्राफिकल एनालिसिस किया इस चैप्टर का, और साथ के साथ कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ पॉसिबल हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर करी, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम लोग बेसिकली लॉज, जो इस, ये जो हमने कंक्लूजन्स किए हैं, इन कंक्लूजन्स के थ्रू लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, और साथ के साथ आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, क्लियर। आइंस्टीन्स की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन समझेंगे और वहां से फिर मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे कि किस तरह से लॉज ऑफ, जो अभी आपने एक्सपेरिमेंटली डिस्कस किया हम लोगों ने, किस तरह से एक्सपेरिमेंटल लॉज मैथमेटिकली भी वैलिड हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।